हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साथी ऑफिशियल 555 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। पहला प्रश्न है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेष पर 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये सवाल सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाजक, भागफल और शेष पर किसे कहते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, यानी कि जिस संख्या का भाग दिया जाता है, जिस संख्या का भाग दिया जाता है वो होता है हमारा भाजक, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो होता है हमारा भाज्य। भाजक तो भाज्य में भाग करने पर जो आता है उसे बोलते हैं हम भागफल, और जो नीचे बचता है उसे बोला जाता है शेषफल। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे भाज्य, भाजक, भाजक और शेषफल किसे कहते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम एक सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि 1043 किसी संख्या से भाग करने पर, यानी 1043 में किसी संख्या का भाग कर रहे हैं, तो 1043 क्या हुआ, 1043 हुआ हमारा भाज्य, यानी किसी संख्या से भाग करने पर, यानी संख्या हमको दी नहीं हुई, हमें भाजक नहीं दिया हुआ है, तो भाजक हम यहाँ पर मान लेते हैं x। हम x, y, z कुछ ही मान सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर माना हुआ है x। भागफल हमको दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है 11 और शेषफल दिया हुआ है 20। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1043 को पैसे ही लिख लेंगे, बराबर लगाया, बराबर इस 11 के x में गुणा करेंगे। जब हम इस 11 के x में क्रम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस के 20। अब इस 20 को इधर ले आएंगे हम, संख्या संख्या सबसे पहले एक साइड ले जाते हैं, तो जब 1043 में से 20 इधर माइनस में जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस का है। अगर ये इधर संख्या कोई भी प्लस की होती है, बराबर इधर ले जाते हैं तो माइनस में जाती है, अगर इधर गुणा में होती है तो इधर फिर भाग में जाती है, अपोजिट जाती है। तो जब 10 यहाँ पर लिखेंगे 11x, 1043 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे हमारे 1023, 1023 बराबर 11x। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो 11 का है किसमें, यहाँ 11 यहाँ पर गुणा में है, गुणा में, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ है तो यहाँ पर कोई निशान नहीं है, तो इसको गुणा में माना जाता है। तो 11 है यहाँ पर x के गुणा में, तो इधर जब ये 1023 की जाएगी तो इधर ये भाग में जाएगी, तो यहाँ पर हमने भाग में इसको लिख लिया है। जब हम 11 का 1023 में भाग जाएंगे देंगे तो 13 आने वाला जाएगा, आप भाग करके देख सकते हैं उससे। हाँ, तो 13 हमारा यहाँ पर x बराबर आ गया 13, तो 13x क्या माना हुआ है, x हमारे यहाँ पर भाजक है, तो हमारा भाजक निकल के आ गया है भाजक बराबर 13। तो यहाँ पर हमारा सवाल सॉल्व होता है। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।